हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आज मेरी एक दो लोगों से जो मीटिंग हुई, तो उन लोग 2 ईयर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते थे। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसे कुछ लोग ऐसे लोग भी होंगे जो ड्रॉपर बेस में आना भी चाहते होंगे, और जिनको लगता होगा कि 4 टू 5 मंथ में उनसे इतने जल्दी मतलब मैनेज नहीं हो पाएगा। दिन भर क्लास रहेगी, उसके बाद उनको टाइम का कुछ लगता है कि टाइम का इशू हो सकता है, उनके बेसिक एकदम ही वीक है, कभी वो पढ़े नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे केस में वो लोग अपना 2 ईयर्स का कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों को लगता है, कम लोग होते हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि सर मेरे को इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए, मैं अभी गेट तक सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही करना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे से, फिर गेट के बाद मैं 5 सब्जेक्ट करते रहूँगा, तो मैं 2020 का एग्जाम दे दूंगा, स्कोर कार्ड तो मेरा आ जाएगा, लेकिन 2020 में बहुत अच्छे से दूंगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि पूरे हम लोग 6 मंथ 7 मंथ में बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लोग ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम लोग 1 6 मंथ 7 मंथ की क्लास ज्वाइन करते हैं, कहीं पर भी पूरे इंडिया में डिफरेंट जगह पर लोग जो ज्वाइन करते हैं वो 6 7 मंथ की क्लास ही ज्वाइन करते हैं। बट मेरे को लगता है कि किसी को लगता है कि सर मेरे लिए आसान नहीं होगा अब दोनों चीज़ को मैनेज करना, मैं कब पढ़ूंगा, कब रिवाइज करूंगा, कब क्लासेस अटेंड करूंगा, और कुछ लोग जानते हैं अपने बारे में कुछ लोग जानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से 2 ईयर्स का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तो ऐसा ये कोई बिग इशू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को वैसा ना ले कि बाकी लोग तो अभी 7 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो हम 7 मंथ का कोर्स ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से, आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से एक एक सब्जेक्ट अपना एंड करते जाना है, उस सब्जेक्ट में कमांड करते जाना है, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो कोई मेरे से पूछेगा सर बेटर कौन सा है, तो ये मैं नहीं बता सकता कि बेटर कौन सा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जितने भी इंडिया में रहते हैं सब 7 मंथ का कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2 ईयर्स का कोर्स बेटर होता है, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप अपने आपको कैसे कंफर्टेबल रहते हैं। इतने सारे लोग 7 मंथ में भी बहुत पूरा एफर्ट मारते हैं और निकाल लेते हैं, कुछ लोग अपना टाइम लेते हैं उसके बाद निकालते हैं, तो वो आपको देखना रहेगा कि आप अपने अपने आप को कैसा फील करते हैं, आप इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो कि नहीं, ये आपका चॉइस है। लेकिन ये सोचना कि सब लोग 6 7 मंथ में ही करते हैं इसलिए मैं भी करूंगा, ये कोई रीजन नहीं बनता है। या फिर ये सोचना कि मेरे दोस्त लोग 8 10 दोस्त लोग ऐसे हैं जो कि 2 ईयर्स का कोर्स ज्वाइन कर रहे, तो मैं भी 2 ईयर्स का कोर्स ज्वाइन करता, ये भी सही नहीं है। मतलब ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है। जस्ट मैं इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जिन लोग का जून एंड हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी है जिनका जुलाई 1 वीक भी आ रहा होगा, तो वो लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे मैं से कि सर अब मेरा जुलाई, सर 15 जुलाई तक मैं फ्री हो पाऊंगा, उसके बाद सर मैं फिर कब आऊंगा, फिर कब मेरा सिलेबस होगा। तो जिन लोगों को लगता है कि उन लोग लेट हो रहे हैं, जुलाई जिनका एंड भी आ जाएगा, जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो जो लोग जुलाई एंड तक भी आएंगे वो लोग 2 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी जो लगभग जो 20 जून से जो क्लासेस है, 20 21 जून से जो क्लासेस है, उसमें तो हम लोग पूरा 6 7 मंथ में क्लास खत्म कर देंगे। लेकिन जो लेट हो गए, एक दो सब्जेक्ट जिनके छूट गए, या जो जुलाई के मिड में आएंगे या जुलाई के एंड में आएंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगस्त तक अपना प्लान करें, तो वैसे लोग अपना 2 ईयर का कोर्स भी प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फरवरी तक गेट के एग्जाम देने तक पहले तक 5 सब्जेक्ट पढ़िए, गेट का एग्जाम दीजिए, फिर 5 सब्जेक्ट पढ़िए, तो आपका ओवरऑल कवरेज जो है वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये सब डिसीजन अपने से लेना चाहिए, अपने को डिसाइड करना चाहिए कि हम कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, हमको ओवरऑल करना। मैं तो बोला भी हूँ कि लोग 1 साल 2 साल 3 साल इतने साल ड्रॉप लेते हैं, तो मैं जैसे एक वीडियो भी बनाया था कि 5 साल से वो गेट का एग्जाम दे रहा था, 5 साल बाद उसका 5th या 7th रैंक आया। आप देखे होंगे यूट्यूब में कम इंटरव्यू लिया था, फॉर्म हाउस में इंटरव्यू भी उसका। तो ओवरऑल ना आपको डिसाइड करना है कि आपको बेस्ट किस तरीके से करना है, अप्रोच आपकी क्या होना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं उस पर मत जाइए, आप देखिए कि आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं इसलिए ये वाला वीडियो बनाया कि कई बार स्टूडेंट का ये होता है कि वो एकदम हड़बड़ी में रहता है, फिर ना वो अपना कंसेप्ट भी बहुत अच्छा क्लियर नहीं कर पाता है, फिर कंटेंट को भी रेडी नहीं कर पाता है, फिर बहुत हड़बड़ी में सब चीज़ करते जाता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि नहीं भाई हमको टाइम चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, हम 1 बाय 1 एंड करेंगे, फिर टेस्ट देते रहेंगे, फिर 1 बाय 1 एंड करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करवाएंगे, ऐसे लोग आराम से 2 ईयर्स के कोर्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये चॉइस आपका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 7 मंथ में अच्छा नहीं कर सकते, इतने सारे लोग करते हैं ये 7 मंथ में, लेकिन वो आपको देखना रहेगा कि आप कंफर्टेबल कैसे। बस ये है कि 6 7 मंथ में अगर आप करते हो तो कुछ भी नहीं, आपको बस कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, पूरे देर तक आप क्लास में रहोगे, घर जाके पढ़ो, मतलब 14 आवर्स आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा अपने साथ में, मतलब घर में पढ़ना, क्लासरूम को मिला के सब जगह तक। तो अगर ऐसी पूरी चीज़ों को अगर आप गुड फॉर्म में इन्वॉल्व करते हो तो फिर पॉसिबिलिटी आपके पास आपके साइड में ज़्यादा होगी अच्छा करने की। तो हमको अच्छा करने की पॉसिबिलिटी में जाना है तो उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन लेंगे कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि जस्ट मैं सजेस्ट किया आपको कि आप अपने मन से सोचो कि आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, बिल्कुल ओवरऑल लोग अच्छा करना चाहिए, इसी इसी सोच के साथ ही मैं मैक्सिमम चीज़ें बोलता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें करवाता हूँ। ठीक है,
तो अपना डिसीजन लीजिएगा। कुछ रहेगा तो बिल्कुल मैसेंजर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ अगर आपको जानना हो या कुछ आपको डाउट्स हो तो आप मैसेंजर में बिल्कुल मेरे को सर्च कर लीजिएगा, मैसेंजर में मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, या गेट अकेडमी के फ्रंट डेस्क को कॉल कीजिएगा, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा करके आप ट्राई करेंगे तो पॉसिबिलिटी होगी थोड़ी सी, ठीक है? तो चलो फिर ऐसे इंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू।